और आप लोगों के लिए। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं मुंबई से चल के आया हूँ और बात हो रही थी सर से कि शेखपुरा और पीछे चल भी रहा है तब से हमें यहाँ के नजारे। इन्होंने कहा कि यहाँ पे गंदगी कहीं नहीं है, ये खास बात शेखपुरा की है। तो आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज करता हूँ। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबूं, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास के लहरों को भी पता न लगे। कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में। मैडम मैं जब आज से पांच साल पहले मुंबई गया था, मेरे पास बता दूं आप लोगों को कि बिहार से गया था, पिताजी का देहावकाश हुआ था उस वक्त। कुछ भी नहीं था, ना खोने के लिए कुछ था, ना पाने के लिए सारी दुनिया बड़ी थी। एक मन में बात थी कि मैं एक हारमोनियम लेके बिहार से मुंबई आया हूँ, क्या ही करूंगा, एक जहन में ये बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़ईफ माँ की दुआओं का ये असर निकला, ये मेरी कामयाबी उनके जिस्त का सफर निकला, और जमाने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया जो अपनी माँ का कदम घर से चूम कर निकला। तो दुआएं आप लोगों की रही, आज सारी दुनिया जानती है, प्यार करती है, दो वक्त की रोटी है, रहने को घर है, माँ सरस्वती का साथ है, और आप लोगों की दुआएं हैं। आपके शहर के एक एक लोगों के लिए एक शेर है। कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, अजनबी शहर में फिर कत्ल हुआ होगा कोई। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं और जो लोग पहले सुन चुके हैं उनको पता है मेरा अंदाज़े बयां यही है गजल का। और बहुत बड़े भजन सम्राट हैं पूरी दुनिया के, पंडित अनूप जलोटा साहब, उन्होंने मुझे कहा कि बिहार और यूपी में आपने गजल को एक नई पहचान दी है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की दुआएं हैं कि ये कर रहा हूँ। तो चंद शेर आप लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अजनबी शहर में फिर कत्ल हुआ होगा कोई, या तो शीशे पे बहुत दूर चला होगा कोई। अजनबी शहर में फिर कत्ल हुआ होगा कोई, या तो शीशे पे बहुत दूर चला होगा कोई। अब बहुत काबिले गौर शेर है। लापता कल से समंदर में एक कश्ती है, लापता कल से समंदर में एक कश्ती है, ऐसे तूफान में शायद ही बचा होगा कोई।
शहर आए मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का किया ही